गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आप लोगों का ये लेसन चल रहा है इंग्लिश रीडर में, लेसन 8 टॉम पेंट्स द फेंस। मैंने इसकी दो वीडियोस आपसे शेयर की हैं, जिसमें हाफ हाफ करके मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है। आज इसका थर्ड पार्ट मैं आपको सेंड कर रही हूँ। सभी बच्चे इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे, इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, इस स्टोरी में अभी तक हमने जाना था कि टॉम को उसकी आंट पॉली ने पनिशमेंट दी थी। उसने स्कूल में झगड़ा किया था, जिसकी वजह से स्कूल से उसको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। इस बात से नाराज़ होकर आंट पॉली ने टॉम को पनिशमेंट दिया कि जाकर गार्डन की फेंसिंग को वाइट वॉश करो। ओके, अब टॉम को क्योंकि काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो टॉम इस काम से बचने के लिए बहुत से तरीके अप्लाई करता है। उसके कुछ दोस्त उधर से गुजरते हैं, वो उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन ट्रिक खेल के, मतलब सीधा सीधा नहीं कहता मेरी मदद कर दो, बल्कि उन्हें लालच दे के उनसे मदद मांगता है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बेन स्टॉप्स निबलिंग द एप्पल, टॉम स्वीप्स हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ, स्टेप्स बैक टू नोट द इफेक्ट एंड एड्स अ टच हेयर एंड देयर। बेन से वो मदद मांगता है, बेन जो कि उसका फ्रेंड है वहाँ से गुजर रहा होता है एप्पल खाते हुए मस्ती में, तो टॉम उसको रोकता है और इस तरह से उसे जताता है जैसे कि उसे पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वो बेन को कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसे करने के लिए बहुत टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो बेन को भी क्यूरियोसिटी जागती है कि कैसे ये कर रहा है, मैं भी देखता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। इवन इतना ही नहीं, टॉम ने उसे लालच भी दिया होता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मेरे पास वाइट मार्बल्स हैं जो मैं तुम्हें दूंगा, है ना, सफ़ेद कंचे। तो बेन को कंचों का लालच भी हो जाता है, तो बेन उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि बेन कर रहा है और नरेटर वन यानी जो स्टोरी बोल रहे हैं ना वक्ता, उनमें पहला वक्ता हमें बता रहा है क्या कि बेन ने क्या किया, एप्पल खाना बंद किया और टॉम ब्रश को बहुत ही प्यार से इधर उधर करके बहुत अच्छे से पेंट कर रहा था। तो वो देखने के लिए मतलब बेन वहाँ पे खड़ा रहा, बेन को वो सब देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। बेन इज़ वॉचिंग एवरी मूव एंड गेटिंग मोर एंड मोर अब्जॉर्ब, फाइनली ही बर्स्ट आउट। मतलब बेन को वो सब देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब उसे ऐसा लगा कि टॉम से बहुत अच्छा तो मैं कर लूँगा इसको, और फाइनली वो बोल पड़ा बेन से, टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, कि बेन ने बोला कि टॉम से कि थोड़ा सा मुझे करने दो। टॉम कंसिडर द प्रपोजिशन थॉटफुली, नो नो, टॉम ने इस तरह से सोच विचार के जवाब दिया, नहीं नहीं, दैट वुड हार्डली डू। बेन यू सी आंट पॉली इज ऑफुल पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस, मतलब बेन ने ऐसा जताया कि अरे नहीं नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तो बहुत मुश्किल काम है और तुम्हें पता है ना कि आंट पॉली इस फेंस के वाइट वॉश को लेके कितनी ज़्यादा पर्टिकुलर है, माने कितना उनको इस चीज़ की चिंता है कि एकदम परफेक्ट काम होना चाहिए। इफ इट वर द बैक फेंस वी वुडंट माइंड, बट दिस वन इज द राइट हेयर ऑन द स्ट्रीट, यू नो। तो उसने बोला कि अगर ये कोई पीछे की दीवार होती ना तो तुम कर लेते, मानो कुछ गड़बड़ भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेन रोड की बिल्कुल गली के सामने की दीवार है, आते जाते सभी की निगाह इस पे पड़ती है। तो देयर इजंट वन बॉय इन 1000 दैट कैन डू इट राइट, मतलब हजारों में कोई एक ही बच्चा होता है जो इसको बिल्कुल परफेक्टली पेंट कर सकता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस वो अपने वाइट वॉशिंग की बताने लगा कि बेन को बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होने लगी उसको करने के लिए, जानने के लिए कि कैसे पेंट होता है। बेन कहता है नो इज दैट सो, ओह कम नाउ लेट मी जस्ट ट्राई। तो बेन ने कहा अरे ऐसा है कोई बात नहीं, तुम दो तो सही मुझे, मेरे को थोड़ा ट्राई करने दो, ओनली जस्ट अ लिटिल, केवल थोड़ा सा करूंगा। आई हैड लेट यू इफ यू वर मी टॉम, अगर तुम मुझे करने दोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, यानी मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। टॉम कहते हैं बेन आई हैड लेट ऑनेस्टली बट आंट पॉली, बेन टॉम ने ऐसे जताया जैसे कि वो तो मतलब कि मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन आंट पॉली वेल जिम वॉन्टेड टू डू इट बट शी वुडंट लेट हिम, कि उसने इस तरह से बताया कि जिम बच्चा जिसको पहले उसने लालच दिया था कि तुम मेरा काम कर दो और वो करने लगा तो आंट पॉली ने उसको चप्पल से मारा था, उस बच्चे का एग्जाम्पल देता है लेकिन थोड़ा सा बात को घुमा के कि जिम भी करना चाहता था मेरी मदद लेकिन आंट पॉली ने उसे भी नहीं करने दिया। सिड वॉन्टेड टू डू इट, सिड भी मेरी मदद करना चाहता था बट शी वुडंट लेट हिम इधर, लेकिन आंट पॉली ने उसे भी नहीं करने दिया। नाउ डोंट यू सी हाउ आई एम फिक्स्ड, तो तुम देख सकते हो कि मैं किस तरह से मतलब निश्चित कर लिया गया हूँ इस काम को करने के लिए। इफ़ यू वर टू टैकल दिस फैंस एंड एनीथिंग वॉज टू हैपन टू इट,
अगर तुमने फेंस को कलर करने की कोशिश की और कुछ हो गया, बेन कहता है ओह शख्स आई विल बी जस्ट एज केयरफुल, कि मतलब अरे ओफो इतना परेशान मत हो, मैं बहुत ध्यान से करूँगा, नाउ लेट मी ट्राई, आप मुझे करने दो, आई विल गिव यू द कोर ऑफ माई एप्पल, मैं तुम्हें अपना एप्पल खाने को दूंगा। तो टॉम कहता है वेल मे बी नो बेन आई कांट, आई एम एफ्रेड, मतलब अब टॉम इतना नाटक करके दिखा रहा है जैसे कि वो नहीं चाहता कि बेन फेंसिंग को वाइट वॉश करे, जबकि वो ये सारी बातें सिर्फ इसीलिए बना रहा है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता वाइट वॉश, वो चाहता है कोई और कर दे, है ना। तो बेन कहता है आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं तुम्हें पूरा एप्पल दे दूंगा। टॉम गिव्स अप द ब्रश विद रिलक्टेंस इन हिज फेस, बट अलेक्सिटी, सॉरी मेरे को ये वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, अलेक्सिटी इन हिज हार्ट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि टॉम ने इस तरीके से अपने ब्रश को छोड़ा कि चलो ठीक है, मतलब कि एहसान कर रहा हो जैसा कि वो है ना, वो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन सिर्फ बेन के लिए छोड़ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि अंदर तो वो बहुत खुश है लेकिन बाहर वो अपनी उत्तेजना, अपनी खुशी को प्रकट नहीं कर पा रहा है ना। एंड वाइल बेन वर्क एंड स्वेट इन द सन, द रिटायर्ड आर्टिस्ट सिट ऑन अ बैरल इन द शेडो शेड क्लोज बाय, डेंगल्स हिज लेग, मंचेस हिज एप्पल एंड प्लान्स द स्लॉटर ऑफ मोर इनोसेंट्स, मतलब कह रहे हैं कि आप क्योंकि टॉम काम कर करके थक गया था, तो आप क्या हुआ कि बेन धूप में पसीने में तरबतर होता हुआ एक आर्टिस्ट की तरह मतलब अपने काम को किया जा रहा था, और टॉम क्या कर रहा था कि बैठ के और अपने पलौथी मार के बैठ गया, रिलैक्स हो गया, शेड में जाके आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा और मज़े से अपने एप्पल को खाने लगा, है ना। और इस तरह से जताने लगा जैसे कि टॉम ने जैसे कि लड़कों को मतलब इस बच्चों को फूल बना लिया है और अपना काम निकाल लिया है, तो एक वो फीलिंग नहीं आती कि अरे वाह मैं कितना होशियार हूँ, उस वाली रिलैक्स फीलिंग के साथ बड़ा मासूम सा बन के रेस्ट करने लगा। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटीरियल, बॉयज केम अलॉन्ग एवरी लिटिल वाय, दे केम टू जीर, जीर से यहाँ पे मतलब है कि मजाक उड़ाना, हंसी हंसी करना किसी के लिए, है ना। बट रिमेन टू वाइट वॉश, बाय द टाइम बेन वॉज डन विद टॉम हैड ट्रेडेड द नेक्स्ट चांस टू बिली फिशर फॉर अ काइट, मतलब अब बेन क्या है व्हाइट वॉश वगैरह करता रहा, टॉम रिलैक्स होता रहा, वहां से लड़के आते जाते रहे, हंसी उड़ाते रहे, बातें बनाते रहे, लेकिन इस सबसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे बेन अपना काम फिनिश कर चुका था, टॉम ने क्या किया, इसी तरह से एक बिली फिशर नाम से बच्चा वहां से जा रहा था, उसे काइट का लालच दे के इन गुड रिपेयर, एंड वेन ही प्लेड आउट जॉनी मेलर बॉट इन फॉर अ डेड रैट एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विद एंड सो ऑन आवर आफ्टर आवर, एंड वेन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून केम फॉर बींग अ पुअर पुअर्टी स्ट्रिकन बॉय इन द मॉर्निंग, टॉम वॉज लिटरली रोलिंग इन वेल्थ, मतलब एक एक करके बच्चे वहाँ आते जाते गए, कभी वो किसी को किसी चीज़ का लालच देता, कभी किसी चीज़ का लालच देता और अपना काम करवाता जाता। धीरे धीरे दोपहर हो चली थी और टॉम के तो मज़े ही थे, मतलब उसने अपना काम दूसरों से करवा लिया और खुद तो मज़े में ही था। ही हैड डिसाइड द थिंग बिफोर मेंशन, 12 मार्बल्स पार्ट ऑफ ए ज्यूज हाफ, अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल ग्लास टू लुक थ्रू अ स्पूल कैनन, अ की दैट वुडेंट अनलॉक एनी थिंग, अ फ्रेगमेंट ऑफ चॉक, अ ग्लास स्टॉपर ऑफ आ डिकेंटर, अ टिन सोल्जर, अ कपल ऑफ टेडपोल, 6 फायर क्रैकर्स, अ किटन विद ओनली 1 आई, अ ब्रास डोर नॉब, अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज पील एंड अ डिलेपिडेटेड ओल्ड विंडो सैश। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे आते जाते गए ना, उनसे मतलब अपना काम भी करवाता गया और उनसे ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ ये छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको वह इकट्ठा भी करता गया। ही हैड अ नाइस गुड इडल टाइम ऑल द वाइल, प्लेंटी ऑफ कंपनी एंड द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, इफ ही हैडंट रन आउट ऑफ वाइट वॉश ही वुड हैव बैंकक्रप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज। यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब उसने इस तरह से मतलब सारा ये कह लो कि खेल रचा, इस तरह से प्लान अपना बनाया
कि एक एक बच्चा आता गया, उसे अपनी चीजें भी देता गया और उसका काम भी करता गया, यानी वाइट वॉश भी करता गया। करते 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 क्या हुआ कि टॉम के पास बहुत सारी चीजें जमा हो गई, साथ साथ उसका जो फेंस था उस पर तीन तीन कोट वाइट वॉश भी हो गया। मतलब वाइट वॉश भी बहुत अच्छा हो गया, टॉम को आराम भी मिल गया, बदले में गिफ्ट्स भी मिल गए फ्री के। और अगर वो ऐसा नहीं करना देता तो क्या होता कि बच्चे नाराज हो जाते है ना, और वो क्या करते, वो उससे अपनी चीजें वापस ले लेते। टॉम सेड टू हरसेल्फ दैट इट वॉज नॉट मच अ होलो वर्ल्ड आफ्टर ऑल। ही हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट, नेमली दैट इन ऑर्डर टू मेक अ मैन और अ बॉय कोविट अ थिंग इट इज ओनली नेसेसरी टू मेक दैट थिंग डिफिकल्ट टू अटेंड। मतलब टॉम ने अपने आप से इस सारे इंसिडेंट के बाद टॉम ने अपने आप से क्या कहा कि इस संसार में मतलब बहुत मुश्किल नहीं है अपना काम निकालना, सिर्फ आपको करना क्या होता है, जो उसने ऑब्जर्व किया कि मनुष्य का स्वभाव है कि जिस चीज़ को उससे जितना दूर किया जाता है वो उसे पाने के लिए उतना ही तड़प जाता है, उतना ही उसके लिए मतलब प्रयास करने लगता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो टॉम ने वाइट वॉशिंग, जो कि उसे बहुत ही बोरिंग काम लग रहा था, लेकिन उसे थोड़ा सा ट्रिक करके इतना इंटरेस्टिंग शो कर दिया अपने दोस्तों के आगे और ऐसा बता दिया कि ये तो तुम्हारे बस की है ही नहीं, ये तो लाखों में कोई एक होता है, हज़ारों में कोई एक होता है जो कर पाता है, और इसके लिए तो बहुत मेहनत, कॉन्सेंट्रेशन और टैलेंट की ज़रूरत है। तो सभी बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा कर दी कि हम तो टैलेंटेड हैं, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और इसके चलते हुआ क्या, फैंस भी वाइट वॉश हो गई बहुत अच्छे तरीके से और इतने सारे गिफ्ट्स भी मिल गए टॉम को। तो टॉम ओवरऑल अपना यही एक ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि मैंने क्या सीखा इस संसार में कि मनुष्य को जिस चीज़ के प्रति जितना ये मतलब ऐसा जताया जाए ना कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, इंसान उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उतना ही उसके पीछे पड़ जाता है। ओके बेटा, स्टोरी तो बहुत लेंदी है लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है अडेप्टिव फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने ये नॉवल लिखा है टॉम सॉयर नाम के बच्चे के ऊपर कि उसके लाइफ में क्या क्या एडवेंचर्स वो करता रहता था उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, है ना, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है। वहाँ से एक पार्ट स्टोरी का आपको लेके इस लेसन में दिया गया है। ओके आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तीनों वीडियोस को रिपीट एक बार फिर से देखिएगा, पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके इसका कॉपी वर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूंगी।